उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। इस संबंध में एडीएम प्रशासन सुरेंद्र कुमार ने अभी तक न्यूज इंडिया को दी जानकारी। सर, मदरसों को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मदरसों के संबंध में शासन का एक आदेश आया है, जो अभी तक मान्यता प्राप्त मदरसे जहाँ भी चल रहे हैं उनसे अलग जो मदरसे हमारे जिनकी मान्यता नहीं है उनका सर्वे होना है। इसका एक पेशानी दी गई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कार्रवाई हो रही हो कि वो सर्वे कुछ निश्चित बिंदु है उन पर होना है कि कौन सी संस्था चला रही है, उसे बच्चे कितने हैं, कौन कैसा है, उसे सुविधाएँ कितनी हैं और उसको आय का स्रोत उसका क्या है, ये सब संबंधित सर्वे होना है। और जो हमारे मान्यता प्राप्त जो हमारे जनपद में कुल 859 मदरसे हैं जो कि हमें मान्यता प्राप्त हैं, उन पर कुछ सर्वे नहीं होना, जिसमें कि बिलारी में हमारे 102 हैं, कांठ में 69 हैं, मुरादाबाद में 446 हैं और ठाकुरद्वारा में 242 हैं। टोटल जनपद में हमारे 859 मदरसे जो वैध रूप से मान्यता प्राप्त हैं और ये चल रहे हैं, इनसे कोई इसका सर्वे का संबंध नहीं है। इसके अलावा जो सर्वे जो चल रहे हैं उनका सर्वे होना है, सामान्य प्रक्रिया है। उसमें सरकार का ये है कि सर्वे होने के उपरांत जो भी अपने नॉर्म्स हैं सरकार के अपने अप्लाई करेगी, अपने मान्यता लेंगे, इस संबंध में चल रहा है।